उसकी जो बुकलेट है उससे पढ़ेंगे कि बेसमेंट में जो वहाँ का हाउसकीपर है या कह लीजिए नाइट वॉचमैन सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, उसी बिल्डिंग में शायद एक लड़की काम करती है, उससे उसका कुछ उसको वो रोज़ देखता होगा आते जाते, तो उससे उसका कुछ एक तरफा लगाव, तो एक स्टेटस का प्रॉब्लम है, वो लड़की वहाँ पे ऑफिसर है या जो भी है जॉब करती है, वो एक सिक्योरिटी, वो किस तरह से उसको अपने पास कैद कर लेता है, किस तरह से वो थ्रिल हो जाता है, या जिसने भी उस लड़की की तरफ गलत नज़र से देखा या उसको थोड़ा भी परेशान किया ऑफिस में, वो सबको सज़ा देने की कोशिश करता है। और मेरा उसमें एक कैरेक्टर है जो पुलिस ऑफिसर है, कई बार क्या होता है कि आप बिल्डिंग है नीचे बेसमेंट है निकलते रहते हैं, लोग पेट्रोलिंग पे होते हैं, पुलिस कुछ साउंड सुन को आती है, उनको लगता है कुछ गड़बड़ है अंदर, वो देखते हैं आके सब ठीक है फिर चले जाते हैं, तो एंड में ये रिवील होता है कि भाई यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है एक साइकिक आदमी की वजह से। तो इसी तरह की स्टोरी है वो, बेसमेंट मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग का बेसमेंट जो पार्किंग लॉट है। मैं अभी बोला था कि दरअसल हम लोग जो हैं वो फिल्म के अंदर जब भी हम लोग रोल करते हैं, तो चाहे हम विलन का रोल कर रहे हों या कोई और कैरेक्टर कर रहे हों, तो गाने हमारे साथ होते नहीं हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है कि किस तरह का म्यूज़िक है। अब लॉन्च होगा, अब मैं सुनूंगा तब मैं आपको बता सकता हूं। मैं ईमानदारी से ही बोल रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं फिल्म में गाने कैसे कैसे हैं। मैं यहाँ पर म्यूज़िक लॉन्च पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, इज्जत दी तो मैं आया। तो अभी पर मैं म्यूज़िक के बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उसकी जानकारी नहीं, मैंने सुना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका पार्ट ही नहीं रहे शूटिंग पे, या तो ये कह पाते कि भाई हम लोग पार्ट होते गाना सुनते, तो ये सवाल तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। नहीं, दरअसल इसमें जो ख़ास है वो स्टोरी है और आप उस खास स्टोरी का हिस्सा हैं, तो पुलिस ऑफिसर है उसमें आप कितना अलग कर लेंगे वो, हालांकि इसमें जितने भी और जो हमारे मेन लीड हैं लड़का लड़की को छोड़ के जितने भी और कैरेक्टर्स हैं उन सब के एक एक या दो दो सीन हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है जैसा लाइक एक उसके ऑफिस में बॉस है या ये पुलिस ऑफिसर है या उसके साथ दो सबॉर्डिनेट हैं आए दो सीन में चले गए, तो इसमें जितने और भी सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबका एक सीन दो सीन एक सीन दो सीन ऐसे, क्योंकि सारी की सारी स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द मेन गाय हु वर्क्स एज अ सिक्योरिटी पर्सन इन बेसमेंट इन द बिल्डिंग्स बेसमेंट, तो अलग जो इसमें है वो स्टोरी है और मैं उस स्टोरी का हिस्सा हूँ, इतना ही अलग है। नहीं, दरअसल एक्चुअली उस फील्ड में मेरा कुछ दखल है नहीं, तो और उसकी क्या मुश्किल है थोड़ी बहुत समझ में आती है, बहुत मुश्किल हो गया है आज की तारीख में कि फिल्म को बना लेना आसान है, रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें मार्केट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है या जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो क्योंकि मैं एक्टर हूँ और हमारा काम शूटिंग या डबिंग तक रह जाता है या ऐसे लॉन्चिंग पे हम आते हैं, बीच में क्या क्या होता है मुझे पता ही नहीं है और लिटरली मुझे नहीं मालूम। हमारे कुछ मित्र हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो लगे रहते हैं कोशिश कर, पर मुझे कभी समझ नहीं आता कि किस तरह से फिल्म बिकती है, किस तरह से वो अपने मुकाम तक पहुँचती है या थिएटर हॉल तक पहुँचती है, इसका मुझे बहुत ही रफ अंदाज़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं जितने भी हमारे पार्ट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के,
वो अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डायरेक्टर फिल्म ना बनाए तो रिलीज़ करने वाले रिलीज़ क्या करेंगे, अगर फिल्म बना दे तो रिलीज़ करने वाले ना हो तो फिल्म बना के दिखाएगा कि तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सबका एफर्ट ही फिल्म को आगे तक लेके जाता है और उसमें आपका भी रोल है। जैसे आप मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं या बाइट्स ले रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचे, तो ये सब ये सारी चीज़ें अपने आप में कंबाइंड है। बट जहाँ तक फिल्म को पर्दे तक लाने में जितनी मेहनत आज होने लगी बहुत मुश्किल हो गई है और मैं बधाई और हैट्स ऑफ करता हूँ उन लोगों को, फिर भी छोटे बजट की कम लोगों को लेके फिल्म बनाने की कोशिश करके इस मकाम तक पहुँच जाते हैं कि भाई हमारी फिल्म पर्दे तक आ जाए और उनमें वो हिम्मत बरकरार रहती है कि एक और अगली फिल्म बनाएंगे, एक और अगली फिल्म बनाएंगे। अच्छी और बुरी ये अलग मुद्दा है, लेकिन बना देना और रिलीज़ कर देना ये सबसे बड़ी बात हो गई है आज की डेट में, जो बहुत अच्छी बात है। इस फिल्म में एक्चुअली पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को प्यार भरा नमस्कार। ये फिल्म हम लोगों ने गुजरात में सूरत के एक मॉल में की थी, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जमा हो जाती थी और बहुत सारी दिक्कतें आती थी हम लोगों को और हम लोग शूटिंग नाइट में करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत बड़े बड़े सीनियर एक्टरों के साथ में काम करने का मौका मिला, जाकिर हुसैन साहब जो इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज महान एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं और नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, ऊपर से आनंद जोग साहब जो मराठी इंडस्ट्री के लगभग दादा कौन के हैं, नॉट आए, बहुत मज़ा आया। और इस फिल्म में हमने कम से कम कंटिन्यू गुजरात में हम लोग पंद्रह दिन था और उस समय थोड़ी ठंड भी थी, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर शूटिंग करते करते और एक्चुअली मैनेजमेंट बहुत अच्छा था शूटिंग का। और मैंने इस फिल्म में एक कॉप्स पुलिस वाले का एक्चुअली रोल किया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो आएगा। इस फिल्म को करते करते एक्चुअली मज़ा बहुत आया, टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोग थे, खासकर दिलजान भाई जो हमेशा इनकी चौथी पांचवी फिल्म है, दिलजान भाई बहुत मेहनत करते हैं फिल्म बनाने में और ये उनकी पर्दे तक लाने तक उनकी बामुशक्क़त उनकी मेहनत रहती है और आज इस मोड़ पर लेके आए इस फिल्म को और इंशाल्लाह आगे बहुत कामयाब हो, सुपर हिट हो, फिल्म बहुत चले, मेरी ये शुभकामनाएँ हैं दिलजान भाई के लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये फिल्म करने में बहुत मज़ा आया और आगे भी इंशाल्लाह मेरी फिल्म आएगी जिसका नाम है दगड़ी चल और एक फिल्म और आने वाली है जिसका नाम है सॉरी डैडी, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए और बहुत अच्छी फिल्म बनी है और इंशाल्लाह ये फिल्म सुपर हिट जाए। बस यही आप और आप लोग सभी लोग जितने भी ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हो या मेरे जितने भी फ़ैन हैं मेरे गांव में या बॉम्बे में जहां पर भी, वो लोग इस फिल्म को देखें और इसको सराहें और जितने भी दिलजान भाई का अभिनय, हमारा अभिनय, जितने भी लोगों का अभिनय उसको सराहें और इंशाल्लाह ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये फिल्म देखें बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों और हम लोगों को ये फिल्म करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी हमारे ग्रुप के थ्रू हमारे थ्रू और हम हमेशा इसी तरीके से इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार बस बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। इसमें मैं एक नेगेटिव ऐसा करेक्टर है कि जो मंदबुद्धि का बच्चा जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल, तो हालांकि बच्चा नहीं पर वो यंग ऐसा कैरेक्टर है और मेरे लिए ये चैलेंजिंग था बिकॉज ऑफ थिएटर बैकग्राउंड, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील तो था करने के लिए तो नहीं गया अच्छे से और चैलेंज थोड़ा इस प्रकार से था कि मैं इसमें बोल नहीं सकता, तो मुझे जो अपना एक कैरेक्टर बनाना था, क्रिएट करना था, तो वो मुझे थिएटर से काफ़ी हेल्प मिली और उसी हिसाब से ये कैरेक्टर मैं कर पाया और बहुत अच्छे से निभाया ये कैरेक्टर। नेगेटिव कुछ गूंगे का किरदार है आप? जी जी, मेरा गूंगे का एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक एबनॉर्मल लड़का है लेकिन वो नेगेटिव है, उसके माइंड में एक ही बंदा है और वो है जो लीड कर रहा है, वो उसके अलावा किसी और को नहीं जानता, नहीं पहचानता और वो जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वो उसी को फॉलो कर रहा है, तो बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है जिसमें मेरा वॉक भी अलग है, इवन मेरा फेस भी कुछ अलग तरह से बना हुआ है, जैसा भी दिख रहा है ऐसा नहीं है नॉर्मल, तो
बहुत एक अच्छा सा कैरेक्टर था, मेरे लिए डिफिकल्ट था, जो पिछली फिल्म में मैंने की उसके मुकाबले ये मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। अच्छा, क्या कुछ प्रिपरेशन की थी इस किरदार के लिए खास करके आपने? इसके लिए खास करके मैंने प्रिपरेशन ये किया था कि मैंने कुछ इंटरनेट्स का भी यूज़ किया, मैंने कई ऐसे ओरिजिनल एबनॉर्मल लड़कों को देखा, उनको मिला, उनकी वॉकिंग स्टाइल देखा और बहुत सारी चलने की स्टाइल को मैंने पहले देखा, फिर खुद कॉपी करने का कोशिश किया, लेकिन वो कुछ सेट नहीं हो पाया। तो फिर डायरेक्टर साहब ने बोला कि हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त फिर मैंने खुद अपना एक स्टाइल जो बताया वहाँ पर, तो वो ठीक अच्छे से हो गया। थोड़ा सा मुँह का एक्सरसाइज था वो मैंने किया, क्योंकि ऐसा सीधा मुँह नहीं, उसमें थोड़ा सा करके किया हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से वो निभ गया कैरेक्टर। उस मेहनत करनी पड़ी, हालांकि मेहनत तो आप जानते हो, आप भी करते हो बहुत ज़्यादा, और सारे मेहनत ही करके आते हैं, तो इंटरनेट का मुझे थोड़ा सा हेल्प उसमें अच्छा मिला, मुझे एबनॉर्मल जो कैरेक्टर कैचअप करना था, और वाकई मैं उन लोगों को मिला हूँ जो ओरिजिनल एबनॉर्मल है, जिनके पूरा कैरेक्टर बना हुआ है, तो उनसे मुझे काफ़ी, तो इस तरह से कैरेक्टर नहीं मिला। म्यूज़िक बोलते हैं पिलर्स है, जैसे फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट, ऐसे फिल्म के चार पिलर होते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िक के बगैर फिल्म बहुत अधूरी रहती है, जब म्यूज़िक अच्छा होता है तो ऑब्वियसली फिल्म भी अच्छी होती है। इस फिल्म का म्यूज़िक किस तरह का है, स्लो है? एक्चुअली इसमें बहुत सारा, एक तो है हिप हॉप पब टाइप का म्यूज़िक है, एक है रॉक, रॉक स्लो रॉक, और एक है जैसे सैड रोमांटिक जैसे चलता है आजकल, पूरा हर टाइप का म्यूज़िक है फिल्म में, हर टाइप का म्यूज़िक है। और आपने किस तरह का म्यूज़िक किया? मैं वही हर टाइप का म्यूज़िक दिया, जैसे पब का टाइप, पब जैसे आइटम सॉन्ग तो है नहीं इसमें, एक्चुअली फिल्म बहुत अलग टाइप का फिल्म है, बहुत बहुत डिफरेंट फिल्म है, तो इसका म्यूज़िक भी बहुत डिफरेंट है। जैसे एक इनका एक प्रमोशनल सॉन्ग है और पब टाइप का गाना है, पब और बाकी सॉन्ग है जैसे रॉक टाइप के सॉन्ग्स है, और क्या बोलते हैं इसको, रोमांटिक सॉन्ग है, सैड रोमांटिक इस टाइप का म्यूज़िक है। थैंक यू सर। थैंक यू। Gautam Bhavna on stage, please. Gautam ji. Gautam Bhavna on stage. Rusi Varia ji. Yes, you're there. I can see. Adi Irani. Shiva's already here. Adi Irani. Prashant Gupta ji. Prashant Gupta ji, can I have you on the stage, please? Mr. Prashant Gupta. Hardik Pandya? Can I have Hardik here, please? Our Mumbai Indian guy is here. Hardik Pandya, thank you. Yes, he was the pillar. जैसे हमारे फोर पिलर्स है ना, ये हमारे मुंबई इंडियंस के पिलर हैं जिन्होंने मुंबई को एक्चुअली जिताया था। थैंक यू। इन सब के लिए एक शेर अर्ज किया है। 100 चांद चमके होंगे तो क्या बात होगी, आप सब आए इस महफिल में तो इस रात की भी औकात होगी। तो नाउ वी हैव रिवील्ड द लवली पोस्टर ऑफ द मूवी, द फोटो ऑप्स, यू प्लीज मोर देन वेलकम टू टेक द पिक्चर्स ऑफ द एंटायर पीपल ऑन द स्टेज। यस, and we were supposed to have a small dance from you, Dilzan. What happened? No, it's not happening. My God, you're such a brilliant dancer. I learned about that. मैंने सुना आप बहुत ही उम्दा नाचते हैं. क्या? ये तो कह रहे नहीं नाचेंगे. He said no. Oh, Papu. घर जाइए. He's amidst us. We've got a lot of people here. Dheere dheere people are coming. Aryan, there you are.
pleasure having you too. Kamal Khan, can we have Kamal Khan on stage too? Can we have Kamal Khan on stage also? Aye, Kamal ji. So our family is complete, I guess. So you can please go ahead with the pictures. Please come in the center. Please come in the center. You should be. इतनी खूबसूरत शक्लें देखकर लगता है ये हंसी सूरते मेरी तस्बीह के दाने हैं. Especially for the men, I should be saying. The men should be saying for the ladies. ये हंसी सूरते मेरी तस्बीह के दाने हैं. निगाहों में रहते हैं मेरी इबादत तो होती ही रहती है. Thank you, जी. When such beautiful people are pal, एक Kodak moment है, Canon moment है, Nikon moment है. पर कभी कभी पेस्ट्री पार्टीज पे आके लगता है जैसे लड़कियों की आपस में यू नो लगता है दैट उन्हीं से हमें मुस्कुराकर मिलना पड़ता है जो हमारी कत्ल की साजिश में बैठे हैं. आई फील फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स यू नो व्हेन आई हग देम यू नो आई सेड ओह माय गॉड शी वांट्स टू किल मी बिकॉज़ शी इज लुकिंग एट मी विद दोज आईज. इट ऑलवेज हैपेंस. बट डज इट हैपन विद मेन आल्सो? आदमियों के साथ भी होता है? होता है. दिलजा कह रहे होते हैं और शिवा आप कह रहे नहीं होता. लड़कियों का तो मैंने सुना है, आदमियों का मैंने बिल्कुल नहीं सुना. इनसिक्योरिटीज कभी नहीं सुनी. बाबूजी आप क्या कहते हैं? नहीं सुनी ना मैंने. जेंट्स की नहीं सुनी, लेडीज की जरूर. लेकिन आजकल मेट्रो सेक्शन में ना आ गए हैं, यू नो पॉन्ड्स लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, यू नो दैट द ब्यूटी प्रॉब्लम है. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके पिक्चर्स डन. यस ऑलराइट. Now I would give a few words, the mic over to Dilzan to say a few words. You've already spoken to the press, now please say to the public also. दोस्तों पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आप सब लोग आज हमारे फर्स्ट लुक ऑफ फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट के लिए आए. टू ऑल माय फ्रेंड्स, माय को-स्टार्स, माय ऑल एक्टर्स, मेरे सबसे चहेते मेरा प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ मिलियन. और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा ये पहला कदम इंडस्ट्री के अंदर आने शुरू होने जा रहा है. तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और मैं चाहूँगा कि प्लीज 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 हमारी ये फिल्म देखिएगा. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी. थैंक्स अ मिलियन. थैंक्स अ मिलियन. लव यू ऑल. लव यू ऑल. टू एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद दिलजान एंड द मूवी एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इवनिंग कि फाइनली आज मैं यहां पर इस जगह पर खड़ी हूं बिकॉज़ ऑफ दिलजान माय डायरेक्टर माय प्रोड्यूसर. फाइनली आई एम हियर सो आई एम वेरी मच हैप्पी. And about experience of this movie, Dilzan Walia, he's a great co-actor. अगर इन्होंने मुझे support नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि इन्होंने मुझे throughout पूरी movie में बहुत support किया है और इनकी वजह से आप मेरा performance देखोगे, बहुत अच्छा performance आया है. Thank you so much. Thank you. And Alia, a few Bruna, a few words from you also. You're looking very hot and ready. ब्रूना ने मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक गाना किया हुआ है. उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी अभी तो मैं नया नया आया हूँ, लेकिन जिस लड़कियों के साथ काम किया है, लेकिन इतनी डेडिकेटेड लड़की, शी इज अमेजिंग अमेजिंग बॉस. थैंक्स सो मच. आप इनसे ज़रूर सुनिएगा हिंदी में. All the best. We wanted to hear something. See, press is saying yes, yes. Tu hai ga sab sunye. All right, not bad. Very nice. That's nice. And I would like the director, please, to say a few words. Girish ji. I would like to thank each and everyone over here. And this is my first Bollywood debut as a director. And this is completely thriller and action with suspense.
and we have done our hard work with efforts, creativity, and lots of dedication. So I hope it will make a great entertainment for all of you. Thank you. Thank you, sir. बड़े भाई जैसे लगते हैं सो एज एन आई नो हिम फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स सो आई विल विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मूवी एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर हिम इन द फ्यूचर थैंक यू हार्दिक एंड वी होप यू डू बाप को प्यारा बोलने वाला बेटा मैं पहली बार देख रहा हूं खैर बेसमेंट की पार्टी पहली मंजिल पे है इसी में सब कुछ आ गया थैंक यू पहली मंजिल तो अभी पर चढ़िए इससे ऊपर भी जाएगी सक्सेस की सक्सेस लैडर शिवा भाई शिवा मैं गाना तो नहीं गाऊंगा लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी पहली फिल्म है दिल जानवड़े कहां गए भाई हीरो ही गायब हो जाएगा किससे बात करेंगे मैंने जैसे जाकिर साहब ने बताया कि उन्होंने काबिल उनको काबिल समझा दिलजान ने कि उनको इंस्पेक्टर का रोल दिया तो मुझे भी काबिल समझा उनके साथ मुझे भी खड़ा कर दिया था है ना बट बहुत मज़ा आया एक अच्छी बात यह है कि बंदे में कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और डिटेल में जाता है हर चीज़ में कैरेक्टर्स में फिल्म के हिसाब से आप फिल्म देखोगे मैं चाहूँगा कि हर एक इंसान फिल्म देखे क्योंकि ये फिल्म में बहुत अच्छा थ्रिल है एवरीबॉडी इज फैंटास्टिक इन द फिल्म इवन तो फिल्म जो उन्होंने जिस तरह से शूट किया है जिस एंगल से शूट किया है बहुत खूबसूरत अलग तरीके से किया है तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म अपना अपना काम करें और लोगों के बीच में आए और लोग देखें और रिजान भाइयों को और बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए लोग बुलाएं थैंक यू वेरी मच
किस तरह लड़की अपना बचाव करती है, किस तरह लड़की को ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से किस तरह बचना चाहिए, हमारी फिल्म ये बताती है। हमेशा लड़कियों के खिलाफ अत्याचार जो होते हैं उसको किस तरह बंद किया जाए, स्टॉप किया जाए, तो वो हिम्मत एक लड़की को देते हुए हमारी फिल्म है फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट। हमारी फिल्म में चार कैरेक्टर है जो पिलर्स कहा जाता है, और वो पिलर्स किस तरह हमारी लड़की को बचाते हुए बाहर निकलते हैं, दैट इज़ माई फिल्म फोर पिलर्स ऑफ बेसमेंट। फोर पिलर्स के बारे में सर ने इतना सब कुछ बता दिया, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन्होंने लिया है, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर एक पावर होता है, इट्स जस्ट कि आप उस पावर को कैसे अपने बाहर निकालते हो, कैसे उसको यूज़ करते हो, और कैसे अपने प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो मूवी इज़ ऑल अबाउट दिस। और कौन कौन से किरदार हैं फिल्म में जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म में जाकिर साहब है, फिल्म में अनंत जोग जी है, फिल्म में सावर अली है, स्पेशल अपीयरेंस उन्होंने ब्रूना जी ने किया हुआ है हमारा, एक बहुत ही अच्छा, आज आप खूबसूरत सॉन्ग देखेंगे, प्रमोशनल सॉन्ग तू है गजब सोनी, एक प्रमोशनल सॉन्ग हम लोगों ने उनके साथ किया है। इमरान खान साहब है, अभी काफ़ी लोग आएंगे, अभी आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे हम सब मिलकर उनके साथ। इस गाने के बारे में एक तो ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूना से ज़्यादा अच्छी तरह सॉन्ग को कोई कर ही नहीं सकता था, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल टैलेंटेड, उन्होंने जो किया है, अब जब आप देखोगे तब पता चलेगा उन्होंने किया क्या, बहुत अच्छा किया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आप प्रोड्यूस किए इस फिल्म को, तो फिर आप इसकी स्टोरी सुने होंगे, जाने होंगे, तो क्या सोच के आपने इसकी स्टोरी अच्छी लगी थी इसके लिए बना दिया था? सर आप मैं डायरेक्टर हूँ, इट्स आवर पैशन, hard work, effort, creativity, everything together. So I hope we get good blessings and you all will enjoy our movie which we have done with F. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, बहुत मज़ा आया। He is very talented, multi talented. ऐसी क्या बात है, ये किसने बजा दिया? अब पूछो। दरअसल क्या है कि मैं एक दो चीज़ें हैं जो देखता हूँ फिल्म करने के लिए, मैं ये बहुत कम देखता हूँ कि कौन है, क्या है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, तो थोड़ा सा नए लोग एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, अगर उनके साथ कोई काम नहीं करेगा तो फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में हैं, लोग अपने मेहनत से और शिद्दत से बनाते हैं तो उनकी सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। दरअसल ये एक थ्रिलर है जो दिलजान एक रोल कर रहे हैं, तो उसमें और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक एक दो दो सीन्स के हैं, ऐसे कोई ऐसा, एक लड़की है और लड़का है, बस दो ही बड़े उसमें रोल हैं रेगुलर, बाकी सब दो दो सीन, तीन तीन सीन के रोल हैं जो सपोर्टिंग कास्ट में। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसका रोल है, जो बहुत नॉर्मल तरीके का है, आता है, देखता है, चला जाता है, वैसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सेकंड म्यूजिक लॉन्च का मौका है, तो कोई म्यूजिक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? अरे बस ये हमारे साथ बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो ना तो किसी गाने में हम होते हैं, या तो कहीं विलन होते हैं तो हम होते नहीं उस गाने में, या पुलिस ऑफिसर होते हैं तो हम होते नहीं हैं, तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ, अंदाज़ा नहीं है कि गाने मैंने सुने भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं तो इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि कौन सा गाना या म्यूज़िक कैसा है, क्यों है, मैं सुनूंगा तो बता सकता हूं बाद में, अभी नहीं। अच्छा, आपके लिए कितना ज़रूरी है म्यूज़िक, कितना मायने रखता है एक फिल्म के लिए आपके मुताबिक? भाई हमारा देश है, संगीत उसके हर रग रग में है, और हर मौके का संगीत है, हमारे यहाँ पर तो आदमी रोता है तो संगीत में रोता है, कोई भी त्यौहार हो उसमें म्यूज़िक होता है, बच्चा पैदा हो उसमें संगीत होता है, तो और वैसे भी अगर आप देखें फिल्म को आप म्यूट करके देखेंगे तो आपको ख़राब लगती है ना, तो संगीत जो है वो उसके लिए उतना ज़रूरी है जितना एक
के लिए सोल, तो म्यूज़िक तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गाने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बिना आप कोई भी ऐसे ही नॉर्मल वीडियो भी देखेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आता जब वो उसके साथ म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, तो इन्हांस करता है उसके इमोशन को, उसके सारी की सारी सोल इन्हांस कर देता है। तो म्यूज़िक जो है किसी भी चीज़ का सोल है। सर, इसके अलावा अगर बात करें की, तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन कौन से? फिल्म है, दो तीन रिलीज पे है, एक साला खड़ूस करके एक फिल्म है जिसमें मैं और माधव हैं और सुधा उसकी डायरेक्टर हैं। एक आरजीवी की फिल्म है तेलुगु हिंदी, फिर और कुछ फिल्में हैं जिनकी मैं शूटिंग अभी शुरू करूंगा, बारिश की वजह से वो सब पोस्टपोन हो गई थी। ये दो फिल्में जो मैंने बताई वो तो रेडी टू रिलीज़ हैं।